तो आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान की प्रसिद्ध कढ़ी, जिसका नाम है बाजरे की कढ़ी। बाजरे के फायदे तो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसके तीन चार फायदे बता देती हूँ, जो कि बहुत ही कम है। ये सर्दियों में खाई जाती है, ये शरीर की गर्माहट को बनाए रखता है, इसमें बहुत ही फाइबर पाया जाता है, इसीलिए ये पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखने में मददगार होती है। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल करती है और ये शुगर पेशेंट्स वालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए देख लेते हैं कि बाजरे की कढ़ी बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये है बाजरा, ये है पालक के पत्ते जो मैंने धो के रखे हुए हैं, ये है मसालदानी, ये है धनिया पत्ता जो मैंने बारीक काट के रखा हुआ है, ये है लहसुन, ये मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च को चॉप करके रखा हुआ है, ये है छाछ और ये है कड़ी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पालक के पत्ते को बारीक काट कर और इसको हम पानी में बॉईल करेंगे और उसके बाद कढ़ी का सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी कढ़ी, स्वादिष्ट कढ़ी बनने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। देखिए, मैंने ये कढ़ाई भी गर्म होने के लिए रख ली है और इधर देखिए, जैसा मैंने कहा था कि पालक को बारीक काट के इसको बॉईल करने के लिए हम छोड़ देंगे, तो मैंने डाल दिया है और इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। तो चलिए अब हम कढ़ी का पहले छौंकन तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने डाला है रिफाइंड, अगर जिनको रिफाइंड में खाना नहीं अच्छा लगता है वो लोग सरसों तेल में भी इसको बना सकते हैं। तो कढ़ाई मेरी गर्म है, तो ये देखिए सबसे पहले मैंने जीरा डाला है, उसके बाद मैंने ये चार सूखी लाल मिर्च डाली है, उसके बाद मैंने ये राई डाला है। बहुत लोग छौंकन पहले तैयार करते हैं और फिर कढ़ी बन जाती है तो उसके बाद छौंकन तैयार करते हैं, दो तरीके से बनती है। तो आज मैं पहले ही फ़ोरन तैयार कर लूँगी, छौंकन को तैयार कर लूँगी। तो अब ये देखिए, ये मैंने कम से कम 15 से 20 लहसुन कि जो कलियां हैं अलग अलग करके सबको बारीक काट लिया है। लहसुन आप लोग जितना सर्दी में खा सकते हैं खाइए, क्योंकि इसमें जो है सेलेनियम पाया जाता है जो कि बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हम इसको अच्छे से लाल होने देंगे। तो जब तक ये हमारा लहसुन लाल होता है तब तक हम बाजरे का आटा और छाछ को अच्छे से मिला लेंगे। बाजरा है हमारे पास, इसका हम बिल्कुल आधा लेंगे, तो ये चार चम्मच है, तो इसमें से मैंने ये दो चम्मच लिया है और ये कटोरी भर के इसमें छाछ है, तो हम इस छाछ को इसमें मिला देंगे अच्छे से ताकि कोई भी इसमें गांठ ना रहे, और अगर थोड़ी बहुत ये गांठ रह जाती है तो हम इसमें हल्का सा पानी भी मिला लेंगे। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है, छाछ और बाजरे के आटे को, कोई भी इसमें लम्स नहीं है। अब हम इसमें उस कटोरी से पूरा पानी भर के इसमें डाल देंगे और फिर पकने के बाद पता चलेगा कि हमको कितनी गाढ़ी रखनी है, कितनी पतली रखनी है। मुझे तो बहुत ना पतली अच्छी लगती है ना ज़्यादा गाढ़ी अच्छी लगती है, मीडियम में अच्छा लगता है। तो ये हमारी बन के छाछ रेडी हो गई है, अब इसको हम लोग पकाएंगे। ठीक, तो ये देखिए हमारे लहसुन लाल हो गए हैं, जलाना नहीं है बिल्कुल भी। अब हम इस स्टेज पे जो हमने ये प्याज हरी मिर्च और टमाटर को चॉप करके रखा था, इसमें एक पूरा प्याज है, आधा टमाटर है, पांच छह हरी मिर्च है और छोटा सा टुकड़ा अदरक को मैंने सबको चॉप कर लिया था, इसमें हम डाल देंगे। लाल कर लेंगे, उसके
उसके बाद हम इसमें जो हमने बाजरा और छाछ मिला के रखा हुआ है उसको डाल देंगे। तो जब तक ये हमारा लाल होता है, एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा पालक कितना उबला है। तो देखिए अभी इसमें टाइम है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको ढक देंगे तो प्रोसेस जल्दी से हो जाए। ठीक, तो ये देखिए प्याज हमारा लाल हो रहा है। अब हम इसमें बेसिक मसाले मिला देंगे, जैसे कि ये है धनिया, इसमें हल्दी डाल देंगे। हल्दी मैंने अभी थोड़ी कम ही डाली है, जब हम इसमें कढ़ी डालेंगे तब एग्जैक्टली हल्दी का कलर पता चलेगा कि इसमें हमें और कितनी डालनी है। इसमें हमने धनिया, हल्दी और मिर्ची तीनों डाल दी है। मैंने इसमें अभी नमक नहीं डाला है, और कढ़ी बिना हींग के नहीं होती है, तो अब हम इसमें हींग भी डाल देंगे। तो अब ये जैसे ही मसाला पक जाएगा हम इसमें धीरे से कढ़ी को छोड़ देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा पालक हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए पालक बॉईल होके तैयार है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और फटाफट से इसका पानी निकाल के इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए अभी हमारा मसाला भुन गया है, अब हम इसको धीरे धीरे इसमें डाल देंगे। और जो ये रह गया है इसमें हम ये पानी डाल के इसको पूरा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे, क्योंकि कढ़ी जब तक पकती नहीं है तब तक उसका स्वाद नहीं आता है। अब हम इसको इसमें लेके, ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से है, और इसको हमें लगातार हिलाना है एक बॉयल आने तक, जैसे कि हम बेसन की कढ़ी बनाते हैं इसको लगातार हिलाते रहते हैं एक बॉयल आने तक, एग्जैक्टली वैसे ही इसमें भी उबाल आने तक इसको पूरा लगातार हिलाना है। मैंने अभी इसमें नमक नहीं दिया है, एक उबाल आने तक हमको यूं ही चलाना है। बॉयल आना शुरू हो गया है, लगभग मुझे 4 से 5 मिनट लगातार मैं इसको हिलाती रही। अब हम इस स्टेज पे जो हमने ये पालक उबाल के रखा था उसको हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए, तो ये टोटली ये एक हेल्दी कढ़ी है, और ये प्रोबायोटिक का भी काम करता है अपनी इंडियन जितनी भी कढ़ी है। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे, पहले थोड़ा कम मिलाएंगे अंदाज से, और फिर जैसे जैसे ये कढ़ी गाढ़ी होती चली जाएगी तो फाइनल जब हम गैस ऑफ करेंगे उससे पहले एक बार इसकी सीजनिंग को चेक कर लेंगे। तो अब हम इसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे, धीमी से मध्यम पे 15 से 20 मिनट तक। कढ़ी का मतलब ही है कि बढ़िया से पके, उसके बाद ही एक अच्छा सा टेस्ट इसमें डेवलप होता है। और जो मैंने बारीक धनिया पत्ता काट के रखा था तो आधा मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी, और आधा जब ये बन जाएगा तब। तो मैं मिलती हूँ आपसे 15 मिनट बाद। तो ये देखिए कढ़ी लगातार उबल रही है, और इसका अब वॉल्यूम भी कम होता चला जा रहा है। पहले ये कढ़ी यहाँ तक थी, अब ये यहाँ तक आ गई है। पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल रही है, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी किचन पूरी इसकी खुशबू से गमागम है। तो अभी थोड़ा सा और इसका वॉल्यूम जब गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसको ऑफ करेंगे। तो देखिए अब ये मेरी जो कढ़ी है बाजरे की वो अब गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, 3 से 4 मिनट। और देखिए ये निशान स्टार्टिंग में कहाँ था और अब ये कढ़ी हमारी कहाँ पे है। तो ये देखिए बस 3-4 मिनट और उसके बाद ये हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मेरी बाजरे की मसालेदार कढ़ी बनकर तैयार है। इसमें आप
बिना प्याज टमाटर की भी बना सकते हैं, सादी कड़ी बाजरे की आटे की, लेकिन मैंने आज इसमें मसाला दिया है, प्याज और टमाटर से इसको फ्राई करके बनाया है। तो यही एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी हमको कढ़ाई कड़ी की चाहिए। ये देख लीजिए, गैस मैंने बंद कर दी है। फाइनल हम ये जो मैंने बारीक धनिया पत्ता काट के रखा था उसको भी मैं दे दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को प्लेट लगा के। गर्मा गर्म थाली तैयार है, बाजरे की मसालेदार कढ़ी, गुड़, पत्ता गोभी की सूखी सब्जी, लहसुन का अचार, रोटी और ये चावल। और इस कढ़ी में मैं थोड़ा सा घर का बनाया हुआ घी डाल दे रही हूँ, ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने किचन में बाजरे की कढ़ी जरूर से बनाइए, खाइए और खिलाइए। कैसा लगा बताइएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।